हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोस में आप सबको ना सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल सोशल साइंस का मॉडल सेट जो आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी है ना, उसी का 100% करेक्ट सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम उन सबको 80 जो क्वेश्चंस है आपके वेबसाइट पे जारी है जो बिहार बोर्ड के, उसी के हम क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको उन सब क्वेश्चनों से रूबरू कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया है। और आप इस वीडियोज़ में निश्चिंत रहिए कि हम आपको 100% करेक्ट आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। ऑफिशियल ये वेबसाइट पर आपका जारी प्रश्न है। तो देखिए सेक्शन ए है आपको, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है शासक वर्ग, सी है क्लोन और डी में है व्यापारी। तो आप सब इसका जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग भी कमेंट में इसका जरूर आंसर बताते चलिएगा, है ना। हम फटाफट इसका आंसर बताने वाले हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी है ना, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। तो पहले का आपका एकदम सी 100% राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। दूसरा सवाल है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी है। पहला ऑप्शन है 1919 ईस्वी, दूसरा है 1920 और सी है 1922 और डी है 1930। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा दू का ए हो जाएगा 1919, ठीक है। 1919 ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि जो है त्याग दी थी। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और डी में है पंडित नेहरू। तो ये तीन क्वेश्चंस का आप लोग जल्दी से जवाब बताइए क्या होगा। देखिए हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तीन का सी बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे नज़र डालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोग का कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला ऑप्शन है आपका गैरिबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, सी है काउंट काबूर और डी है मेजनी। तो देखिए हम आपके 4 का एकदम बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण में आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क एकदम राइट आंसर है और जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका एकदम 100% राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया भी पहले भी है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, पीछे आप लोग पढ़े होंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है राजा राम मोहन राय। तो देखिए इसका आपको बिल्कुल राइट आंसर जो होगा 5 का ना, आपका एकदम सी राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और जिनका भी कमेंट में सी है एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, फटाफट हम आपको 80 क्वेश्चन से रूबरू करा देते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है 1929 लाहौर और बी है कराची। दो ऑप्शन आपके नीचे हैं, देख सकते हैं 1933 कलकत्ता और डी है 1937 बेलगाम। तो आपको देखिए इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। हम आपको देखिए इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1929 लाहौर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, 7 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 7 आपका क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी कहाँ पे, मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में और डी है सूरत में। तो इस क्वेश्चन का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बम्बई में, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन सोल्यूशन कर देते हैं, 7 का आपका बी सही है, बम्बई में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। देखिए आपका 8 क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी में है लाला लाजपत राय, सी है लाला हरदयाल और डी है घनश्याम दास बिड़ला। तो देखिए इसका आपको बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो जिनका भी कमेंट में बी आ रहा है उनका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन 9 पे नज़र डालते हैं। देखिए आपका 9 क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र, ये नज़र आ रहा है हिंद चीन क्षेत्र में
युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पीछे भी मैंने पूछा है, पहला आपको ऑप्शन है वाशिंगटन, बी है निक्सन और सी है जॉर्ज बुश और डी है रूजवेल्ट। तो देखिए 9 का आपको हम बिल्कुल राइट आंसर बताते हैं, ये जो निक्सन बी में नजर आ रहा है ना, एकदम यही राइट आंसर है, बी निक्सन। ओके, और जिनका भी बी है ना, एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है, और देखिए आपके वेबसाइट पे भी जारी क्वेश्चन से है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बने, क्वेश्चन को घुमाया है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं मेजनी है, बी है मेटर्निक है, सी है काउंट काबूर है, डी है स्टालिन। तो 10 का आपका देखिए एकदम बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, ये काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और जिनका भी कमेंट में सी है ना, एकदम राइट आंसर है। ओके चलिए आगे देखते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका ना डी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, जिनका भी कमेंट में डी है बिस्मार्क ना, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका 12 क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेफ कहते हैं कब लागू हुई? 1918, 1920, 1921 और डी है 1925। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका 12 का जो होगा ना, लागू पूछा है ना, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। ठीक है, और जो लोग भी सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ओके चलिए 13 क्वेश्चन फटाफट देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये देखिए कुछ न्यू क्वेश्चन नजर आ रहा है ना कि इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? ये इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन जो है, ये नया क्वेश्चन आइए हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। 13 में आपका ऑप्शन है पहला हंटर कमीशन, बी है साइमन कमीशन, सी है सार्जेंट कमीशन और डी है ली कमीशन। तो इसका बी राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन का ही नाम है इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? पहला है कॉमनवेल्थ, बी है यंग इंडिया, सी है बंगाली और डी है बिहारी। तो इसका आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर यंग इंडिया होगा। ओके, यंग इंडिया बिल्कुल राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में है वो लोग राइट आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बहुत मस्त क्वेश्चन, कुरान, गीता और बाइबल और सी है डी है हदीस। तो इसका आपका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा, बाइबल। ठीक है ना, 15 का आपका एकदम सी राइट आंसर है, बाइबल। ओके चलिए 16 क्वेश्चन देखिए, 16 आपका क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? पहला ऑप्शन देख सकते हैं आपका है फारसी, ब्राह्मी फारसी और है ना, आगे भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दो ऑप्शन है रोमन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम आपके बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका यही पर राइट आंसर मिल चुका है, ए ब्राह्मी। ठीक है ना, और जिनका भी ब्राह्मी है 16 का ए राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन, बंगाल विभाजन जो है ना कब वापस लिया गया था? मैंने पहले पढ़ाया है 1905, 1907, 1911 और 1912। तो 17 का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, 1911 में ना बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन आपका कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? 1861। दासत्व का मतलब ये समझते हैं गुलाम होता है, यानी गुलामी प्रथा कब, दास प्रथा कब बंद किया गया था? यहाँ पे भुलवाया गया है क्वेश्चन को, दूसरे टाइप पे पूछा है 1861, 1865, 1870, 1873। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1861 में ना दास प्रथा का अंत किया गया था। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका, 19 क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और डी में है ब्रेंट्स उड्डन सम्मेलन। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का, एकदम बी सही है, द्वितीय जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ना उसी में ना एक मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, द्वितीय में, प्रथम में नहीं, 19 का भी राइट आंसर होगा। ओके चलिए आगे देखिए 20 क्वेश्चन, 20 है कि हो चिन मिन की सरकार कैसी थी? द्विपक्षीय वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में और पश्चिमी वियतनाम में। तो 20 का आपका देखिए बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, उत्तरी वियतनाम में, और जो लोग भी 20 का बी बता रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन है कि वार एंड पीस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, किसने लिखी? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, बर्नार्ड शॉ और दोस्तोयेवस्की। तो आप लोग इसका तो आंसर जानते ही है, बी ऑप्शन एकदम सही है, और जो लोग भी इसका बी ऑप्शन बता रहे हैं ना कमेंट में, एकदम राइट आंसर है टॉलस्टॉय। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर,
सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991, 92 और 1989 और 1990। विघटन का मतलब होता है उसकी विघटन, ये जो है ना नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। तो 22 का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 1991। करेक्ट आंसर आपका हो गया 1991। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था। पहले पटना का ना, पहले पटना का पुराना नाम अजीमाबाद भी होता था, तो ये जो है पटना को अजीमाबाद नाम किए दिया था ये बताना है। अकबर, अजीम उस्शान और बाबर डी हुमायूं। तो याद रखिएगा अजीमाबाद जो है अजीम उस्शान के नाम पे दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका 23 का भी होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका 24 का आपका ना एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो होगा हम बता रहे हैं इसका, देखिए पाटलिपुत्र नगर जो है ना अजात शत्रु ने बसाया था और उन्हें स्थापना किया था। 24 का सी राइट आंसर होगा। ओके चलिए आगे देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और डी है इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ए एकदम करेक्ट राइट आंसर होगा 25 का ए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि योजना आयोग जो है ना का गठन कब हुआ था। 15 मार्च 1905, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 1905 और डी है 1 जनवरी 2001। तो 26 का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950। और जिनका भी कमेंट में ए है ना एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका एकदम बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है 27 का बी जिनका भी कमेंट में सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्वेश्चन है ना कि गैस और बिजली उत्पादन जो है किस क्षेत्र में आता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह आपका द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना बी राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन दिखाते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या है नाम बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन, रुपया, टका, कयाद, कुयाद। तो इसका देखिए एकदम बिल्कुल राइट आंसर बी टका होगा। ओके 29 का बी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 क्या था। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन 30 है कि प्रो मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान। तो आपको बताना है 30 का। तो देखिए प्रो मोहम्मद, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो संबंध है ना वो बांग्लादेश से था। 30 का सी राइट आंसर होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट आंसर जो होगा ना कृषि सेवकों को ऋण जो है अल्प समय के लिए दिया जाता है एकदम राइट आंसर ए होगा अल्पकालीन। 31 का ए जिनका भी कमेंट में सही है। देखिए आगे आए आपका 32 कि जवाहर रोजगार, ठीक है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। 1982, 1985, 1989, 1990। तो 32 का आपका एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा 1989। ओके सी जिनका भी कमेंट में है उनका सही है। 33 क्वेश्चन देखिए कि मनरेगा जो है ना, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी की कर दी जाती है। 150 दिन, 180, 120, 100 दिन। फटाफट आप लोग ऑप्शंस में टाइप कीजिए। चलिए आइए हम बताते हैं इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 100 दिन के लिए। ओके डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके ना चलिए आगे देखिए 34 उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। 582, 35, 24 और 38। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। जो लोग भी बी बता रहे हैं उनका सही है ना 35 हो गया। ओके चलिए आगे देखते हैं 35 आपका क्वेश्चन है कि प्रो पीसी महान लोबिनिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति और कर समिति। तो इसका आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर ये होगा राष्ट्रीय आय समिति। जिनका भी कमेंट में ये है एकदम सही है। आगे देखो 36 आपका क्वेश्चन कहता है कि उपभोग, व्यय और बचत का योग दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या कहलाता है। निवेश, आय, वितरण और मांग। तो इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर इन दोनों को जोड़ने पर आय बनता है बी राइट आंसर। 37 है कि निम्न में कौन
आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह, उत्पादन, व्यय, आय और इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का देखिए एकदम आपका राइट आंसर डी होगा, इनमें सभी। ओके, डी जिनका भी कमेंट में राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 38 क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1871, 1868 और आगे है 1950 और डी है 1945। तो 38 का एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपका 1868 होगा। ठीक है, जिनका भी कमेंट में भी है एकदम राइट आंसर। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 आपका कहता है, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, डी है ऐच्छिक सदस्यता। तो 39 का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। जिनका भी कमेंट में है वो लोग राइट आंसर है। आगे देखिए 40 है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। तो इस क्वेश्चन का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना, आप लोग फटाफट मिलाते चलिए, 40 का सी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए, ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे फाइनल में भी। 41 देखिए क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, नागरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, और डी है राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो इसका आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को आप लोग टिक कर लें, जिनका भी बी है सही है। आगे देखिए 42 कि बिहार में नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37 को, 52 को, नीचे है देखिए सी 72 को, डी है 75 को। तो देखिए इसका हम आपको बिल्कुल राइट आंसर बता देते हैं, ऊपर वाला तो नहीं होगा दोनों ऑप्शंस, आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर ये डी होगा। ठीक है ना, 75, 42 का डी। आगे बढ़ते हैं 43, चिपको आंदोलन संबंधित है मेधा पाटेकर, लाला लाजपत राय, सुंदर लाल बहुगुणा और डी है अमृता देवी। तो इसके लिए आप लोग तो बहुत ही बार ये क्वेश्चंस पढ़े हैं और इजी भी है, सुंदर लाल बहुगुणा एकदम राइट आंसर है। ओके चलिए आगे देखिए 44 क्वेश्चन आपका कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, डी है साम्यवाद की स्थापना हेतु। तो 44 का आपका राइट आंसर एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। जिनका भी कमेंट में 44 का ये है राइट आंसर है। आगे देखिए 45, बहुजन समाज पार्टी की संस्थापना किसने की? मुलायम सिंह, आगे है ए से डांगे, कांसीराम और जयंतु बसु। बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर आपका ना सी होगा, कांसीराम ने ना समाज बहुजन समाजवादी पार्टी यानी हाथी छाप का उन्होंने स्थापना किया। ठीक है चलिए आगे देखते हैं 46, दल बदल कानून जो है लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, डी है इनमें से सभी। तो 46 का आपका एकदम राइट आंसर आपका 46 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर, 46 का ये बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए 47, इजी भी है बहुत बार आया भी, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? पहला ऑप्शन 15 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002 और 10 नवंबर 2002। तो 47 का एकदम राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है ना, आगे देखिए फटाफट 60-80 क्वेश्चन है उसको दिखा देते हैं। 48 है, इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 48 का देखिए आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 49, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन सुन लिए ना, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 545, 543, 540 और 500। तो देखिए 49 का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो होगा बी होगा, 543 होता है। ठीक है, जिनका भी कमेंट में बी है राइट आंसर है। देखिए आगे 50वां क्वेश्चन, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान या दक्षिणी पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर होगा सी आपका, पूर्वी पाकिस्तान एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 51, वेस्ट इंडीज जो है संघ की स्थापना हुई 1973, 1965, 1960 और 1980, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं, 51 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1958 में। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी। आगे देखिए 52, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंडिका के लेखक है चाणक्य, फाहियान, मेगास्थनीज और सी है डी ऑप्शन में सिलीबस। बहुत मस्त क्वेश्चन, देखिए 52 का आपका एकदम सी है, राइट आंसर लगा लीजिए, मेगास्थनीज इज राइट आंसर सी। 53 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन, भारत, रूस और पाकिस्तान।
तो 53 का देखिए आपका बहुत ही राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, भारत। एकदम 53 का बी राइट आंसर है, भारत। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। आंग सांस की किस देश के नागरिक है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो 54 का देखिए आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है सी, म्यांमार इज राइट आंसर। ओके, 54 का सी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 55 क्वेश्चन। 55 है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, अपने क्षेत्र से लगाओ, और आगे है राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता, और डी है अलगाववाद। तो इसका देखिए क्षेत्रवाद से क्या होता है कि एक दूसरे से अपने आप में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 56 की ओर बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। जो लोग भी डी बता रहे हैं सही है। फटाफट करते हैं मेरे प्यारों, देखिए आगे 57 है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? सितंबर 1980, सितंबर 1987, जून 2002, और डी है सितंबर 2002। तो इसका राइट आंसर 57 का आपका बी हो जाएगा, सितंबर 1987। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 58। 58 है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? रूस, भारत, ब्राजील और कनाडा। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ए, रूस। जिनका भी कमेंट में ए है, रूस वाले सभी राइट आंसर हो। 59, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है? लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। इसका बिल्कुल राइट आंसर देखिए आपको ना आगे ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है, इसका आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लैटराइट मृदा। ठीक है ना, इसलिए दो ऑप्शन देखिए नीचे देख भी लीजिए, आगे थे काली मृदा और पर्वतीय मृदा, लेकिन होगा आपका लैटराइट। आगे देखिए 60, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? डिगोई, मुंबई हाई, खम्भात और मंगाला। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, देख सकते हैं इसका राइट आंसर ये होगा डिगोई। ठीक है, चलिए आगे देखिए 61, इनमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबड़, गन्ना, इनमें से सभी। और इसका राइट आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, इनमें सभी। ये चारों रोपण कृषि कहलाते हैं तीनों, इसलिए तीनों के बदले में हम डी लगाएंगे। ओके, 62 देखिए क्वेश्चन है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1981, 91, 95 और 2001। तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 1991। ओके, बी इज राइट आंसर। 63 देखिए है कि कांवर झील कहाँ है? कांवर दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। तो 63 का आपका एकदम सी राइट आंसर है, बेगूसराय। जिनका भी कमेंट में सी है, राइट आंसर है बेगूसराय। चलिए 64 देखिए, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो 64 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना डी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है ना, चलिए फटाफट देखते हैं 65 क्वेश्चन। कहता है इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक और डी है प्राकृतिक गैस। तो 65 का आपका एकदम राइट आंसर सी होगा, अभ्रक जो है अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है अकार्बनिक। ठीक है, चलिए 66 क्वेश्चन आपका है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ऑप्शन देख लीजिए 66 के, ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, और आगे हम नहीं जोड़ बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका यहीं पर राइट आंसर नजर आ गया, पश्चिम बंगाल। ओके, और याद रखिएगा आगे का ऑप्शन अब देख लीजिए, उड़ीसा और केरल था। ठीक है ना, 67 देखिए, कौन कोयला जो है ना घटिया किस्म का है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, पीट कोयला जो होता है सबसे घटिया है, और एंथ्रासाइट ये जो है ना सबसे बढ़िया कोयला है, याद रखिएगा। अगर बढ़िया किस्म का पूछता तो एंथ्रासाइट होता, और घटिया पीट हो गया। चलिए 68, भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? सिक्किम, तमिलनाडु, असम और केरल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जानबे करते हैं कि आसाम नाम का एक चाय आता है, वो फेमस भी है, और यही आपका राइट आंसर होगा, 68 का सी। ठीक है ना, 69 देखिए, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पाइराइट जो होता है कॉपर धातु निकाला जाता है इससे, तो धात्विक ही ना होगा, इसलिए 69 का ये राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए 70 है, भारत का पहला परमाणु शक्ति क्षेत्र कौन है? तारापुर, कल्पकम, नरौरा, अकेगा।
तो 70 कहते एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपका ए नजर आ रहा है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है ना। ये तारापुर कहाँ है याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में है तारापुर। आगे देखिए 71, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, अबरक, तांबा, सोना और लोह। कोडरमा जानते ही हैं आप लोग कि कहाँ पे है, तो कोडरमा झारखंड पे पड़ता है और इसका राइट आंसर ये होगा अबरक, बिल्कुल सही है 71 का ये। 72 देखिए, 72 कहता है किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, कतर जो है ना अब ये ओपेक जो सदस्य है उससे त्याग दी है, डी राइट आंसर हो गया। 73 देखिए, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, भारत, चीन और बांग्लादेश और श्रीलंका। तो देखिए 73 का आपका ना ये क्वेश्चन नंबर 73 था और इसका राइट आंसर आपका जो होगा ए होगा भारत, भारत सबसे आगे है इसमें, ओके। चलिए 74 देखिए, आपका क्वेश्चन है कि आसवान बांध किस नदी से संबंधित है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और अमेजन। तो 74 का एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना आसवान बांध सी सही हो जाएगा, नील नदी से, ठीक है, जो कि मिस्र में है। आगे देखिए 75, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप और आतंकवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका डी होगा, आतंकवाद जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा फैलाया जाता है, ओके। चलिए आगे देखिए 76 क्वेश्चन, आपका 76 क्वेश्चन कहता है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, 1920, 66, 2004 या 1934। तो देखिए मेरे प्यारों, इसका राइट आंसर आपका जो होगा डी हो जाएगा, डी में ना 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था, ओके। चार क्वेश्चन और है उसे भी देख लो मेरे प्यारों। 77, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम बहुत ईजी है, ऊंचा जो भूमि है वहां पे बाढ़ के लिए सुरक्षित स्थान है, ठीक है। आगे 78 क्वेश्चन, भू अस्खलन से क्या अभिप्राय है, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकता, इनमें सभी। देखो मेरे प्यारे, पहला और दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, तो हम तो तीन को टिक नहीं लगाएंगे ना, इसलिए इन तीनों के बदले में हम डी को क्लिक कर देंगे, सही हो जाएगा, 78 का डी राइट आंसर होगा, ओके। चलिए 79 देखिए, 79 है आपका कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, और डी है इनमें से सभी। तो देखो मेरे प्यारे, इसमें भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए तीनों के बदले में डी लगा लीजिएगा, सही हो जाएगा, 79 का डी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मिलाते हैं, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है। तो देखिए कैसी होती है आकृति, पहला ऑप्शन है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर और आयताकार, भूकंप वाले जगहों पर आकृति पूछ रहा है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर जो होगा ना एकदम राइट आंसर इसका हो गया आपका डी, आयताकार, ओके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोस में मैंने आपको 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर सोल्यूशन कराया, ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आज पहली बार मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।